वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। अज मनुखता की सेवा सब तो बड़ी सेवा परिवार दे विच आधार कार्ड बनाउण वास्ते टीम पहुंची हुई है। पिछले 3 दिन तो यह आधार कार्ड टीम है जिहड़ी साडे को आई हुई है। तो असी जिहड़े साडे परिवार के मैंबर आ करीब 200 के करीब बहुत बंदयां दे आधार कार्ड बनवाउण वाले सीगे, पता ही नहीं सी कईयां दा तां कौण आ कित्थों ने, है ना। जिवें रूही भैण आ तो ये भैण सानू फिरोजपुर तो मिले सी बड़ी माड़ी हालत दे विच, तो इन्हों का कुछ नहीं दस रहे सी। इदां ही रिहाना भैण आ, इन्हां दी बांह दे विच कीड़े पए हुए सी, एक बांह पूरी कीड़िया ने खाधी हुई आ। ये सानू अज तो 4 साल पहला मिले सी, इन्हां दा भी कुछ भी पता नहीं सी लग रहा, है ना। तो रूही भैण का भी सानू कुछ नहीं पता लग रहा सी। करीब साल होने वाला इहनू साडे कोले भैण नू आई नूं फिरोजपुर रेलवे स्टेशन ते एक जंगल दे विच, जंगल नुमा जगह दे विच उत्थे रहिंदी सी 15-14 सालों तो लोग दसदे सीगे। तो बड़े दुराचार का भी इस भैण नू उत्थे सामना करना पैंदा सीगा। एक शरीर के उत्ते 2 कपड़े बन्ने हुए थे जिवें आदिवासी लोगों के बन्निया हों कपड़ा, अर्धनग्न हालत भैन इस तरह ही उत्थे जिंदगी बतीत करती थी। तो अज असी धन्नवाद करते हैं साडे प्रशासन का, डीसी साहब का, तो जिहड़ी आधार कार्ड की टीम है चंडीगढ़ जिथे असी एप्लीकेशन लाई सी, तो उन्होंने वीर ने उत्थों साडी एप्लीकेशन एक्सैप्ट किया, अपनी टीम इत्थे भेजी आ। खालसा जी आ रहे हैं साडे कोल पिछले 3 दिनों तो लगातार, टाइम का भी यानी कि अपने का परवाह नहीं करते, जिदा कोऑपरेट हो सकता उन्ना एक बंदे का घर लभण लई जां उहदे फिंगरप्रिंट मैच। तो ये वीर अपनी पूरी शिद्दत नाल ड्यूटी निभा रहे हैं भी तां जो किसी का घर लभ सके, है ना। कुछ मैंबरां दे डिकलाइन होया, जिहदा डिकलाइन हो जाता मतलब पहले ही बनया होया वा, फिर उन्हूं लभण की कोशिश करांगे बाद च। असीं सारे आइडेंटिफाई कर रहे हैं भी किन्ने बंदयां दे जिहड़े आधार कार्ड बने हुए सीगे तां जो उन्हां दे परिवारां नूं लभ्या जावे। अज रूही भैन अपने सिर की चुन्नी नू बार बार ठीक कर रही है, तो उन्होंने पता भी मेरी सिर की चुन्नी है जी की वैल्यू आ। तो उत्थे भैन के ना तो सिर पर चुन्नी सी, ना तन ते कपड़ा सी, जो असी फिरोजपुर शहर तो लैके आए थे भैन नू रेलवे स्टेशन के उपर पिछले करीब 5 सालों तो, सॉरी 15 सालों तो भैन उत्थे रह रहे सीगे। तो तुहाडियां दुआवां ते अरदासां दे सदका असी ये सारा सच्चे पातशाह वाहिगुरु की कृपा नाल सेवा दे विच लगे हुए हैं। साढ़े जिहड़े मैंबरां दा पता नहीं कुछ भी एड्रैस जिन्हां दा, है ना, तो ये ने जिमें जमातू बाबा यदा भी कुछ नहीं पता, तो इधर गोपाल बापू जी आ गूंगा, तो बोला वा बापू गुलाम बना के रखे से चंद बाजे, तो इन्ह का भी कुछ नहीं पता। इस तरीके फिंगरप्रिंट करके पूरा, है ना। तो वीर हुणे नाल दी नाल ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा, तो नाल दी नाल ही पता चल रहा वा भी इन्हों का पुराना आधार कार्ड बनया हुआ सीगा जां नहीं सीगा। अरदास करियो, साडे कोले करीब 50 दे करीब इदां दे मैंबर आ जिन्हां दा पता ही नहीं उह कौण ने, कित्थों ने, की एड्रैस ने, की नाम आ उन्हां दे सही, कईआं दे ते भी नहीं पता। ते असीं उन्हां दे एड्रैस लभ सकीए, उन्हां दे आपणिआं तक पहुँच सकीए, असीं प्लीज़ ये अरदास जरूर करिओ। जिवें बापू जी गल करदे सी, बापू जी गूंगा भी आ बोला भी आ, पता नहीं किन्ने सालां तो गुलामी 'च जिंदगी जिउंदा सी बापू नूं, अपना नाम भी नहीं दसना आउंदा, पिंड भी नहीं। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए हो सकता बापू गोपाल का, है ना, घर लभ जाए। जमातू भी इदा ही आ, तो बहुत लंबे समय तो उत्थे गुलाम सीगा, पर देखते हैं। बाकी आशीष आ जिवें इहदा तां ज़्यादा चांस ने बच्चे दे, है ना, आशीष ते नीरज, ये दोनों बच्चे सानू आशीष नीरज मिला सी 2016 च, आशीष मिला सी 2018 दे विच। ये लोडोवाल तो मिला ही लुधियाणा जिले तो ही, ये दराहे तो मिला सी बच्चा। ये बच्चे दे नाल भी बड़ा गलत बिहेव हुंदा सी जदों सानू मिलिया सी, बड़ी माड़ी हालत च मिलिया सी। हुण ये दोनों बच्चों का घर लभना ज़्यादा मुश्किल नहीं जे इन्हां दे आधार कार्ड इन्हां दे पिंड च बने हुए, तां ते असीं अज कोशिश कर रहे हैं। हाँ आशीष, किवें पुत, कित्थे जाणा, कहाँ जाना है, घर जाना है, कहाँ पे, पटियाला, बस इहनूं ऐं ही पता कि पटियाला, होर कित्थे जाना, गांव कहाँ पे है, मम्मी का नाम क्या है और पिताजी का नाम, भाई का नाम और बहन का नाम और गांव महतपुर, और कहाँ पे है महतपुर, यूपी कह रहा जी, कितने कुछ कह रहा, महतपुर इतने लुधियाने साढ़े इतों का ही है, जलंधर वाली साइड पैंदा एरिया, है ना, कितने पटियाला कह रहा, कितने जगराओं कह रहा, नहीं कि एड्रैस नहीं अपना पता, अपनी भैन का नाम पता, माँ का पता, पिता जी का पता, पर एड्रैस नहीं पता। इदा नीरज
ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨੀਰਜ ਦੱਸਦਾ। ਨੀਰਜ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ? ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਏ ਨੀਰਜ, ਕਹਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਹ ਆ ਨੀਰਜ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਮਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਮਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਰਮਤਾ ਕਹਾਂ ਰਹਿਤੇ ਹੋ, ਘਰ ਕਹਾਂ ਪੇ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਪੇ, ਕਹਾਂ ਪੇ, ਘਰ ਕਹਾਂ ਪੇ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਪੇ? ਅਸਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੋਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਾਲਵ, ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਵਾ। ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ? ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਅਪਾਹਜ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹੱਥ ਕਿੰਨਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਪੱਪੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਪੱਪੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾਮ? ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਘਰ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਘਰ? ਬਸ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਸੋਨੂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਪੂਰਾ। ਦੀਪਕ, ਹਾਂ ਦੀਪਕ, ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀਰ। ਇਹ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਗਾਓਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੰਦੌਰ। ਔਰ ਗਾਓਂ, ਗਾਓਂ ਹੈ, ਗਾਓਂ ਕਾ ਨਾਮ, ਗਾਓਂ ਕਾ? ਇੰਦੌਰ, ਇੰਦੌਰ ਦੱਸਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਦੌਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਨਕਪੁਰ ਕਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿਆ ਕੰਨਾਪੁਰ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸ। ਕੰਨਾਪੁਰ ਕਿਆ, ਕਿਆ ਮੁੱਚੀ, ਕੰਨਾਪੁਰ ਮੁੱਚੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਟੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਬੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰੇ, 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੂਹਰੋਂ ਲੈਣ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਸਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਰਾਉਟੀ ਕਿਆ ਨਾਮ, ਕਿਸਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਬਲੂ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਬਬਲੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਿਆ? ਰਾਉਟੀ, ਰਿਪਟੀ, ਰਿਪਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਰਿਪਟੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰਿਪਟੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਰਾਉਟੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਬੂਆ ਕਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ, ਬਬਲੂ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ओके, तुम्हारा नाम राउटी है ना? अरे राउटी भाई, कितना साल उधर गोबर उठाते रहे राउटी, घर क्यों नहीं गए वापस? ओके, जाने नहीं देते थे वो? जब जाते थे भागने की कोशिश, मारते भी थे? नहीं, कि बहुत ज्यादा कुटते सी, टॉर्चर करते सी राउटी। इन्ने साल हो गए गुलाम बनया होया सी। पंकज है जी बच्चा, ये सानू लुधियाने तो मिलया सीगा, बी आर एस नगर एरिए दे विच इहनू वीर नू बच्चे नू कोई छड्ड गया सी, कहिंदा मेरे पापा छोड़ के चले गए। पंकज कैसे हो? अरे ठीक है पंकज सिंघानिया। ए पंकज भाई, कहाँ जाओगे? पापा कहाँ है? कहाँ हुआ? वहाँ कहाँ? क्या काम करते पापा? ईंट गारे का, मिस्त्री का काम करते। और मम्मी कहाँ है? वहाँ कहाँ? मम्मी का नाम क्या है? मम्मी नाम है मम्मी का। पापा का नाम क्या है? हैं? सुदर्शन। गांव का नाम क्या है? हरबसपुर। जिला कौन सा है? सीतापुर। हुण उत्थे हरबसपुर दा नां दा कोई पिंड नहीं है। असीं बहुत उत्थे गल कीती, सीतापुर जिले दे विच हरबसपुर नां दा कोई भी पिंड नहीं हैगा। असीं इहनूं करीब 2.5 साल हो गए साडे कोल आए नूं, असीं बहुत बार कोशिश कीती आ वी इह पंकज बच्चे दा घर लभ जाए। तो पंकज दसदा भी इहदा डैडी इहनूं इत्थे छड्ड के कहिंदा बैठ जाओ मैं आता हूँ वापस। वो आया नहीं बेचारा, पता नहीं उहदी की मजबूरी रही होणी। बहुत माड़े हालात दे विच इह बच्चा वी सानूं मिलिया सी, 2018 दे विच इह मिलिया सी सानूं। तो इस तरह कोशिश है साड़ी एक छोटी जी, वाहवा बहुत समय तो संगतां ने भी बहुत वीर ने सानू सुजैसट किया भी तुसी आधार कार्ड ते फिंगरप्रिंट क्यों नहीं नोट करते, है ना, उतो घर लभ सकते हैं। तो फिर असी कोशिश की अपलाई किया, चंडीगढ़ इन्हों का ऑफिस आ उत्थे अपलाई करना पैंदा, फिर वह उतो परमिशन मिलती है, फिर ये टीम आ जिहड़ी आके बनाउंदी आ ये जिहड़ा हैगा आधार कार्ड वगैरह, है ना, जो भी हुंदा सिस्टम। तो हुण ये चंडीगढ़ तो ये टीम आई हुई आ, तो ये इदा के बच्चों के हम घर लभांगे जी, जिमें पंकज का घर आ, है ना, दीपक का घर आ, इधर साढ़े पप्पी बाई का घर आ, बापू गोपाल का घर तो लभ गया। बापू गोपाल लभ गया घर तेरा, ढूंढ लिया? अज तेन एक होर लभदे आए थे बंदे, अज एक फैमिली आई सी साढ़े मुलापुर तो, उन्होंने कितने फोटो वीडियो देखिया, वह कहें बापू गोपाल साडा वा, कहिंदे मेरा भरा एक भैन आई सी, वह कहिंदे मेरा भरा गुमया हो जमा ही ये वर्गा। असीं उन्हां नूं दस्सिया भी इन्हां दा घर मिलिया होया इंदौर दा, बापू दी भैन ते जीजा मिल के भी गए आ के, वी इहदा घर तां लभ गया सानूं इंदौर तों बापू दा, पर उह कहिंदे साडी शंका सानूं चेक कर लैणा। बापू मिल के गए जी फिर, वह जिहड़े आई सी परिवार मिलिया सी तेरे? हाँ जी, वह तैनूं लै जांदे, कहिंदे साडा वा बापू गोपाल, असीं नहीं सी जाण देणा फिर, साडा तां रब आ। हैं हैं बापू लैन आए थे तेनों, कहिंदे असीं बापू गोपाल नूं लैके जाणा, गोपाल तां साडा वा, कहिंदे लै। इस तरह शेर सिंह जी कैसे हो? ठीक है। तो इधर साडा हॉस्पिटल है जी छोटा जिहा, तो कोशिश कर रहे हैं वाहिगुरू मेहर करन, इत्थे किसे दिन डॉक्टर भी आउण लग जाण, हजे तां मरीज ही पए आ, डॉक्टर नहीं हैगे। ये बापू प्रीत सिंह है जी, इन्हां नूं तुसीं देखिया टट्टां पिंड दे पुल दे थल्लों असीं लैके आए सी बापू जी नूं चक के, अज तों करीब 1.5 महीना पहलां। बापू की लत्त टुटी हुई सी, लत्त दा भी ऑपरेशन हो गया, हुण टांके कट्टे गए आ, ते एक उंगली दे विच सट लगी सी टुटी हुई सी, उहदा भी ऑपरेशन हो गया। तो बापू प्रीत सिंह जी हुण ठीक ने। इधर गोकल बाबा साडा, जय मां जय मां जय मां जय मां। बापू गोकल आ ब्लाइंड सी, अखां दी रोशनी वापस आ गई, हुण बापू नूं दिखण लग गया, है ना। बापू संत सिंह जी, वाहिगुरू जी, बापू जी, बापू जी, वाहिगुरू जी, बापू जी, सत श्री अकाल बापू, ठीक हो? वाहिगुरू जी, बापू जी थोड़ा नाम की आ? नाम क्या? नाम थोड़ा नाम की आ? संत सिंह। पिता जी का नाम की है? पिता जी हैं जी, विष्णु। कितों के रहने वाले हैं? थोड़े पिंड का की नाम? पिंड का पिंड कितने है थोड़ा? हैं सौ कहाँ कितने? यूपी बिहार कितने? हैं हैं जी
बस ऐ बापू वाहेगुरू 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 कर लग जाता। जो इन्हों एड्रैस पुछते हैं वाहेगुरू वाहेगुरू, यानी कि जो इन्हों नाम पुछते ना पिता जी का, तो वह भी कह रहे वाहेगुरू आ। ये बापू पिछले किन्ने 35-40 साल तो गुरद्वारा साहब अटल साहब गुरद्वारा साहब के सेवा करते अमृतसर। तो किहड़े गुरद्वारा साहब च सेवा करते बापू जी, किहड़े गुरु घर च सेवा करते सी? हैं उत्थे अमृतसर हैं जी, किहड़े गुरद्वारा गुरद्वारे कित्थे सीगे तुसी, किहड़े गुरु घर च सीगे? विष्णु तो पिता जी का नाम आ, किहड़े गुरु घर च सेवा करते सी, कित्थे कित्थे रहिंदे सी? बापू जी गुरद्वारा अटल साहब दे विच सेवा करदे सीगे, बहुत साल इन्होंने उत्थे सेवा कीती आ। ते हुण जदों इन्हां दे आ हालात हो गए सीगे, तां इह पिछले करीब हुण 2-3 सालां तों सड़क ते ही सौंदे सीगे, उप्पर मंजा डाया होया सी, उत्थे दुकानदार सी जिहड़े आले दुआले मार्केट आले, उह रोटी पाणी दे दिंदे सी बापू जी नूं, ना चल फिर सकते सी। एक स्किन दी इन्हां नूं प्रॉब्लम आ गई सी, पूरी स्किन इन्हां दी गल गई सी, कोई चमड़ी दा रोग लग गया सी बापू जी नूं। तो हुण उहनां दा ट्रीटमेंट चलदा, चमड़ी भी ठीक आ हुण बापू दी वाहगुरू की कृपा नाल। साडे टीम दे मैंबर आ प्रिंस हुणी, उह वीर साडे कोले बापू जी नूं अमृतसर तों छड्ड के गए ने, दरबार साहब दे बिल्कुल सामने नेड़े ही उत्थे मार्केट दे विच पिछले 2-2.5 सालां तों सौंदे सीगे। ते हुण वाहगुरू की मेहर नाल साडे परिवार दे मैंबर आ, इन्हां दा वी वाहगुरू मेहर कारण कोई पता अता लग जावे, सानूं एड्रैस वगैरह लभ जावे। पै जाओ बापू जी, पै जाओ पै जाओ पै जाओ पै जाओ। राजू साडा ठीक है जी हुण अगे नालों, बहुत वाहगुरू की मेहर नाल। हाँ भी काकू दास कैसे हो, काकू किवें आ, ठीक हाँ? ये भी बच्चा जी ऐ बस इन्हें खुश ही रहना, समाइल ही करी जानी आ, इदा ही सारा दिन जदों भी इन्हों बुलाओ इन्हें हसी जाना, बस इहदा भी कुछ नहीं पता है कौन आ कित्थों आ। बठिंडे वाली साइड तो वीर छड्ड के गए सी, सानू बहुत माड़ी हालत दे विच सी उदों, मंद बुद्धि करके टॉयलेट बाथरूम का कुछ भी नहीं पता लगता सीगा। ते हुण करोना दे विच इह भी फस गया सी बेचारा, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया सी, ऑक्सीजन चलती रही इहदी 22-23 दिन तां, ते वेंटीलेटर ते भी यानी कि जाण वाला हो गया सी, चलिया गया सी सॉरी। ते हुण बाबा जी दी मेहर नाल ठीक आ, ते वजन इहदा बहुत ज़्यादा घट गया सी, हुण तां दुबारा फिर तो रिकवर हो गया काकू दास, दोबारा ही जिंदगी इहनूं मिली है वीर नूं। पर इहदा भी कुछ नहीं पता सानू, हुण इहदे भी फिंगर प्रिंट लगा के कोशिश करांगे भी सानू पता लग सके। ते इधर साडा जोरा सिंह बैठा, जोरा सिंह भी घर दे विच 8 सालां तों इहदी मम्मी दी डैथ होण तों बाद बुग्गीपुरा पिंड आ मोगे दे कोले, घरे रस्सी नाल बन्निया होया सी इहदे डैडी ने मंजे दे नाल, जदों असीं गए बिना कपड़िआं तों नग्न हालत च उसे बन्निया होया मंजी दे उपर, अपनी यानी कि मल मूत्र भी अपना उवें ही खा जांदा सी चक के, इन्ने माड़े हालात सीगे। माँ दी मौत तों बाद बापू इहदा खूहियां पट्टण दा काम करदा सी, उह दिहाड़ी दुहाड़ी चले जांदा सी, पिछे कोई संभालण वाला नहीं सी। पर अज साडा जोरा बिल्कुल ठीक आ, तंदुरुस्त आ, हुण वधिया गेड़े दिंदा। इहदे ते भी सारा दिन इक बंदे नूं रहिणा पैंदा, नहीं तां फिर बाहर नूं तुर पैंदा, गेड़े दे जांदा, पता नहीं लगदा किधर नूं जाणा, किहड़ी चीज़ नूं हत्थ लाउणा। हांजी बदवा जी ठीक हो, ठीक आ जखम? हुण बदवा साहब भी साडे ठीक ने जी, इहनां दे भी बहुत वड्डा जखम सी बैक साइड ते, ते परमात्मा दी मेहर आ जी। इधर बापू राम प्रकाश जी सति श्री अकाल, बापू ठीक हो? कृपा उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी, बापू उस श्री रामचंद्र महाराज जी दी आ, हैं असीं कौण आ कृपा वाले बाबे, असीं तां आप कृपा लभदे फिरदे आ। ठीक हो, सेहत ठीक है? हुण तां नहीं बुखार चढ़िया? बापू राम प्रकाश जी नूं असीं लुधियाणे दे घंटा घर एरिए तों सड़क दे उत्ते पुल दे थल्ले पिया सी, फ्लाईओवर दे बापू चूड़ा टुट्टिया होया सी, 1 साल हो गया सी सड़क ते सौंदा सी बापू, बहुत माड़ी हालत सी। उत्थों लै के आए बापू जी दा, चूल्हे दा ऑपरेशन होया, उस तो बाद करोना हो गया बापू नूं भी, कोविड हो गया हस्पताल तो ही, तो फिर दोबारा चूल्हे पस पै गई खराब हो गया, तो फिर इन्ना ज़्यादा बीमार हो गए, फिर हॉस्पिटल दाखिल कराया, वीकनेस हो गई चूल्हे राही, पस निकल लग गई, चूल्हा भी सारा खराब हो गया, फिर डॉक्टर ने दोबारा खोल के साफ किया चूल्हा, फिर TB दी इन्हां नूं एक बीमारी सी पिछले समय तो काफ़ी, वह भी बाहर आ गई TB नाल, फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई। तो हुण बापू जी दा सेहत ठीक हो रही है, तो वाहिगुरू की अरदास करो वाहिगुरू जी अगे महाराज इन्हों राम प्रकाश बापू नूं चंगा जीवन बख्शन। तो इन्ह का परिवार इतने लुधियाने रहा, हुण इहदा भरा बेटा भी आके मिल के गया, इन्हां दी बेटी भी आके मिल के गए,
ਤੇ ਬਸ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਲਾ ਜਾ ਕਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਾ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਦਸਤੂਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਛੱਕ ਲਿਆ, ਛੱਕੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰਿੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਐਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤਿੱਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੱਗੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਰ ਆ ਜੱਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਗਲਾਸ, ਚਮਚੇ, ਰਸ, ਬਿਸਕੁਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਏਰੀਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਨਲ, ਫਾਇਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਫਲਦਾਰ ਛਾਂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੈਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੂਟ, ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 27 ਹੈ ਜੀ, ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 156, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ 213 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਆ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਪੁੱਤ ਅੱਜ? ਬੈਂਗਣੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਂਗਣੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਖੀਰਾ। ਬਸ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 1 ਕੁਇੰਟਲ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 35-40 ਕਿਲੋ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਮੱਝਾਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਪਲਬਧ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
इधर देखो जी बापू नूं पानी दे दो की चाहिए बापू दर्शन सिंह किवें दर्शू ओ बापू जी नूं हत्थू आ गया उत्ते पानी फड़ाया करो कोले गड़िया करो हां भाई की हाल कर दिते तू हथ मिलाना ही मिलाना कर दिते ने अज गुरदित तेरे पिंड गए सी असी डगरू उत्थे अज उन्होंने तीन व्हील चेयर वंडियां पाईआं ने लोड़वंदां नूं उत्थे गए सी सानूं सद्दिया सी ते साडे परिवार दे मैंबर सारे प्रशादा छक रहे आ जी ते जिहड़े नहीं छक सकदे उन्हां नूं प्रशादा छकाया जा रिहा ते गुरप्रीत वीर आ जिहड़ा इह प्रशादा छका रिहा हुण इह साडा सेवादार टीम दा मैंबर आ बाई पहला ब्लाइंड सी अखां तो देख नहीं सकता सी अज वीर भी अपनी अखां नाल देख भी सकता ते सेवा करवाउंदा सारयां दे लीड़े कपड़े जिहड़े आ सारयां दे कुर्ते पजामे जां कपड़े जिहड़े पाए होए ने शरीर ते उन्हां नूं धो के उन्हां दीआं जोड़ियां बना के रखणियां जिहड़े प्रैस कराउणे आ उन्हां नूं प्रैस करा के रखणा उह सारी ड्यूटी हुण गुरप्रीत कोले आ वीर कोले सच्चे पातशाह ने देखो किड्डी सेवा बख्शी इस वीर दीआं किसे टाइम अखां दी रोशनी भी खुली सी ते अज परमात्मा ने अखां दी रोशनी भी दित्ती नाल मन दी भी रोशनी दित्ती जिहड़ा वीर इह इह सेवा कर पा रिहा ते अज नाले साडे हर तरह की सेवा दे विच हिस्सा पाउंदा ते इधर प्रशादा छकाया जा रहा यह भी हसदा प्रदीप हसदा इहदा नाम वीर दा इहदे भी पैर ते बहुत वड्डा जख्म सी जदों सानूं मिलिया सी गोबिंदगढ़ तों ते अज वीर ठीक होकर साडे नाल सेवा करा रहा ते इह भी विक्की नूं प्रशादा छका रहा कोले खड़ के हुण इह घरे जाणा चाहुंदा वीर ते वाहिगुरु मेहर करन ते जिहड़ा इह वीर अपना चंगा जीवन बतीत करे आपदे परिवार च जाके प्रदीप कित्थों रहण वाला तू है झारखंड का झारखंड जिला केड़ा है बांदो हरिपुर उत्थे जाना इहने हुण वापस हुण ठीक है इह वीर इहने साडे नाल सेवा भी कराई वधिया साडे कोल रिहा ते वाहिगुरु इहनूं अगला जीवन आ जिहड़ा इहदा वो चंगा बतीत करन दा बल बख्शन लुगी बाबा जी अखां तों ब्लाइंड ने इह प्रशादा छक के हटणे बापू राम जग बाबा जी ठीक ने हुण अखां दी रोशनी आ गई है इह भी आपदा प्रशादा छक रहे ने इधर बापू कलवीर सिंह काका जी इह भी ब्लाइंड ने अखां तों इहनां नूं भी दिखाई नहीं दिंदा ते बापू सरल सिंह जी ने इन्हां दी अखां दी रोशनी आ गई इधर बापू गुरमेल आ ते बापू जी भी ब्लाइंड ने अखां तों बापू नूं ठाल दे कहिंदे ठाल दे कित्थे बहिणा उधर बिठा दे साइड ते इस तरह ही सलाम वालेकम मोहम्मद सलीम साडा वीर बापू जैतों वाला साडा बाबा इधर बापू अमरजीत सिंह दिल्ली वाले इधर साडा कैलाश यादव बापू सरजीत सिंह रैकोटी ये साडा सोनी खन्ने वाला ये दलीप भाई साडा हरिंदर सारे मैंबर साडे जिहड़े हैगे ने ये सेवा सोढ़ी साहब ये भी बहुत माड़ी हाल सीगे सेवा कराउंदे ने अज कालू प्रशादा छकी जांदा जी जसबीर शोक भौरले वाला इधर साडा साडा परी अपना निर्मल वीर साडा जग्गा बाबा नवी बसिया निशान सिंह जी साडे ग्रंथी सिंह सोना बाई साडा हुशियारपुर वाला रतनदीप सिंह साडा वीर करनाल वाला असंध तों लुगी बाबा जी साडे आ गए ने मंजे ते प्रिंस जिहड़ा वीर नूं जलंधर तों लै के आए सी पैर च कीड़े सी पए होए इधर वीर जीता जीते ओ अपने मलकीत किवें आ ठीक आ बूटा बाई जल छका रहा इधर साडे ज्ञानी जी खालसा जी इधर पाला बाबा साडा जंगपुर वाला इधर बापू साडे दर्शन सिंह जी साडे बापू ये भी सानू बड़ी माड़ी हालत रोड तों मिले सीगे पिछे साडा सोनू बाई बैठा प्रशादा छक रहा बापू गुजराज सिंह जी पए ने प्रशादा छक लिया बापू छक लिया छकना जी आउंदा हैं पेट में तकलीफ है अज कटड़ियां लगिया आज प्रशादा नहीं छको खिचड़ी खा लेना थोड़ी खाया था ठीक है ठीक इधर साडा बापू सोनी बाबा जी साडे अमृतसर सानू नानकसर तो मिले से जगराओं तो बड़ी माड़ी हालत बब्बू बाबा जी साढ़े
इधर पिछे रामगढ़ भुदरला चमकौर सिंह बैठा, जीता सिंह बैठा, किवें आ? ठीक हाँ, सत श्री अकाल। इधर बलदेव सिंह बैठा साडा रायपुर मुन्ने वाला, फिर बापू पाला सिंह जी बैठे ने ईसडू वाले, रामता बैठा फिरोजपुरिया, टूटी मनप्रीत सिंह टूटी बैठा वीर साडा सन्ने वाला, इस तरह ही काला बाई साडा जसपाल सिंह काले, किवें काले बाई? ये पाला वाला बाई है साडा काला बाई। हाँ हाँ, चलांगे गेड़ा कट्टण, बाहर चलते हैं। इधर बलविंदर बैठा साडा मिस्त्री वीर, बलविंदर ओ बलविंदर इधर देखी किवें, ठीक हाँ। आ साडा गल वाला बैठा बाई साडा लाला जी, लाला जी किवें हो? ठीक है सेहत? ठीक है। मनी बैठा चलांगे आपां थोड़े टाइम तक, लेना इत्थे हुण बीए करनी है, बीए च दाखला दवा दिंदे आ हुण दो चार दिनों दे विच। नहीं नहीं हजे भी नहीं हुई, अभी तक 11 जुलाई आ। मनी बैठा बसैमी वाला, मुंगा बाबा बैठा वा, ये भी बापू गालब तो मिलया सी बिल्ले दा ताया, पर अज तक पता नहीं लग गया इहदा। इधर बापू साडा गिंदर मोहन बाबा जी बैठे ने वीरकोट वाले, सत श्री अकाल बापू जी। ये भी ब्लाइंड सी अखां तो, इन्हां दी अखां दी रोशनी आ गई आ। जमातू उहदा आधार कार्ड बणाउंदा सी, हुण ही आया प्रशादा सिंह। जमातू बाबा इधर देखो, ठीक है ठीक है। जीवन बैठा हसनपुर वाला साडा, इहदा बिंदर बैठा साडा मुद्दकी वाला। आ बिंदरा किवें बाई? ये पहला बंदा बाई बिंदर, तेरी भैण नूं असीं मुद्दकी तों लै के आए हां, नाल सानू जानवर भी लियाने पे। इन्हां ने बकरियां रखियां सी 7, उत्थे भी भुखियां मरदियां सी, कोई संभालने वाला नहीं सीगा। 7 बकरियां भी असीं नाल लैके आए हैं इहदियां बाई दियां, वह भी असीं इत्थे नाल पाल रहे हैं। जिद्दन बिंदर बाई ते भैण गुड्डी ठीक हो के घरे जाणगे, उद्दन नाल बकरियां भी भेजांगे वापस। इत्थे हुण असीं बकरियां दी सांभ संभाल दी ड्यूटी, इत्थे शोक आ बाई सॉरी शंकर आ, ते उहनूं बाई नूं दित्ती हुई आ, उह चार के लियाउंदा बकरियां बाहर साडे खेतां दे विच। बिंदर बाई ठीक आ हुण? देखो जी हालत वीर दी, अज तों असीं 2 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले ही लै के आए मुद्दकी तों, ते तुसीं उत्थे देखे सी वीर दे की हालात सी घर दे विच। दोनों भैण भरा ही एक नरक करदे सी, उत्थे बेहड़े दे विच कूड़े दे ढेर लगे पए सी, एडे एडे बूझे अगे उगे हुए सीगे, है ना। आ हालात सीगे बाई दे देखो, ते घर दे हालात इन्ने माड़े सीगे, ते जाने कि वह आपां कूड़े दे ढेर लगे पए सी घर दे विच, बालण ही बालण पिया सी घर दे विच। आ देखो थल्ले ही सौंदे सीगे, कोई इंतजाम नहीं सीगा उत्थे जिथे ये सौ सकन। एक हसदा वसदा घर उजड़िया पिया सीगा जी, उपर मुद्दकी लिखिया आ रहा, ते आ बीज दा घर आ। अज यही बिंदर बाई साडे कोले वधिया जिंदगी बतीत कर रहे हैं, परमात्मा मेहर करे ठीक होके चंगा जीवन बतीत करे। इधर बापू आत्मा सिंह जी, ये भी सानू लुधियाने तो मिले सी, बड़ी माड़ी हालत, जसलां पिंड आ बापू। बापू जसलां पिंड किहड़े जिले च आहे? हैं गोविंदगढ़ वाले कोले। दीपक कन्नापुर इहदा भी वीर दा पता नहीं, गुजरां ने गुलाम बना के रखे। नितिन नितिन किद्दां खन्ना जी, ठीक है सेहत? इन्ने तो ना वीर साढ़े को मेरी मेडिसिन चलती है, तो अग्रैसिव हो जाता घर, मम्मी डैडी ना फिर कुटमार करता। फिर हम थोड़े दिन वास्ते फिर साढ़े को आया हुआ शुक्ला बाबा साडा सब तो पहला मैंबर, सरपंच साहब ना तुम जानते ही हो, साढ़े बाबू रमेश चंद शर्मा जी ने सरपंची दी इलैक्शन फिर दोबारा होने वाली जी थोड़े दिन ची, क्योंकि जुलाई के बच्चे इन्हों की सरपंची की म्याद खत्म हो रही है। 1 साल की सरपंची दीती से असी। इधर गुरप्रीत आ वीर जी, इहदा भी पूरा परिवार खत्म हो गया सी, वीर दी मम्मी डैडी भरा सारे दी मौत हो गई, भैणां ही रह गईयां कल्लियां, मैंटली अपसैट हो गया सी वीर। नीरज नीरज ओ नीरज ठीक हो, पंकज नूं भी तुसीं मिल ही लए हो, है ना। कद्दू बाबा जी इह बठिंडे दे रामनगर दा रहण वाला, बापू दे कन्न च वी कीड़े पए हुए सी, मूँह च वी। बाकी हुण जिहड़े वीर प्रशादा छक छक के चले गए ने, हैप्पी अमृतसर वाला बाई, इहनूं अमृतसर तों असीं लै के आए सी बाई नूं। अमृतसर कित्थे सीगा पिया? दरबार साहब दे केड़े रोड ते? धर्म सिंह मार्केट दे विच पुल दे थल्ले पिया सी बाई, पूरी लत्त गली हुई सी, कीड़े पए हुए सी लत्त च। इधर नितिन बदबा साडा बाई, ये भी लुधियाने तों लै के आए सी, इहदे भी वीर दे पैर च कीड़े पए। गुरदित्ता साडा सारे जाणदे आ, डगरू वाला गुरदित्ता, हैं गुरदित्ता डगरू वाला। सोनू साडा जी कोट कपूरे वाला सोनू,
बापू गुरमेल सिंह मुक्तसर वाला बापू के पैर च कीड़े पे आ कोमल बैठा भी कोमल ये है मुंडा साडा कपूरथले वाला कोमल है कपूरथले वाला वाहिगुरु जी की फतेह। बापू बचित्र सिंह जी चाहल किली चाहलों तो बापू बचित्र सिंह चाहल साढ़े को बापू जी हुण दुबारा फिर तो दुबारा महाराज ने सेवा बख्शी आ बापू जी नानक सर कलेर के गेट तो अपने हैल्पिंग हैंड पंजाब वाले वीर शाह लैके आए थे साढ़े को हूँ बई वधिया ठीक जिंदगी बतीत कर रहे हैं। आशीष भी प्रसादा छक रहा बैठा हूँ कितने यूपी मंगलदास बापू कुर्सी कितने लै चल बहर रख चलिया बापू अपने ड्यूटियां बापू आजाद भगत सिंह बापू जी ने भी याद कराया सी पप्पी बाबा है ना यानी कि हर बंदे दी एक अपनी ही ट्रैजडी वो हुई हुई है एक अपनी ही दास्तां वा जिवें बापू भाऊ इनू कहने कट्टियां वाली पिंड तो लैके आए थे बापू नू ते बापू किन्ने साल किसी दे नाल जिमीदार नाल काम करता रहा जो शरीर खड़ गया उन्हें सिटता बाहर कढ के बापू पिंड दी बस अड्डे दे विच एक साल बैठा रहा। हाँ भी रोड़ा साहब की हाल ने ठीक हो आ बैठा जी साडा भरा छोटा कहिंदा राजू खाना खादा ओ राजू रात भी जी इहनू बहुत मुश्किल नाल खाना खवाया कल तुसीं देखी सी वीडियो असीं इस बच्चे नू लैके आए सीगे अपने लुधियाने तो अब्दुल्लापुर बस्ती तो जम्मू कलोनी दे सड़क ते बैठा ऐ बस सारा दिन जिवें इत्थे बैठा ना ऐ सारा दिन सड़क ते बैठा रहिंदा 15 दिन हो गए सी पता नहीं किधरों आया ये बस उहदे गंदे कपड़े ऐ सारा दिन सड़क ते बैठा रहिंदा सी धुप मीह कणी कोई फर्क नहीं रात लेके आए हैं रात बहुत मुश्किल ने इहनू प्रसादा छकाया अज दवाई दित्ती है जाने कि सानू पता भी असीं पहिलां तां नहाउण च बहुत इहने दंदियां बढ़ियां बंदियां दे साड्यां दे किहदे दंदी बढ़ी कित्थे आ देखो ये मुंडे ने साडे दे बांह दे उत्ते किवें नौ मारे ने ते इत्थे दंदी बढ़ी ते दूजे इक हस्पताल च मुंडा गुरजोत साडा ड्यूटी उहदी उत्थे आ उहदे भी दंदी बढ़ी हस्पताल दवाई दवाउण गए इहनू ते नमाउण लग्या नू कल मेरी बांह दुखी जांदी आ रात इन्ना ज्यादा जोर लग्या रात बांह ते मैं गर्म पट्टी बन्न के पिया पर इह बच्चा 15-16 साल की उम्र है इहदी कुछ नहीं दस रहा कोई बस यही कही जा रहा बाबू मारेगा बाबू मारेगा बाबू मारेगा हुण पता नहीं किहड़ा बाबू आ जिहने इहदे दिल ते विच एड्डी दहशत पैदा करती आ ते हुण इहनू सारिआं नू प्रशादा छकाउण तों बाद असीं इहनू छकावांगे वी सानू पता वी किन्ना चैलेंज आ इहनू प्रशादा छकाउणा ही ते दवाई देना भी रात असी इनू करीब 1.5-2 घंटे ला के थोड़ी जी यानी कि प्रशादा थोड़ी जी रोटी खवा सके सी ते सवेरे अज थोड़े जी चौल खवाए हुण देखदे आ रात नू अज किदां। राजू नाम क्या है बेटा तुम्हारा है राजू राजू भी असी आपदे कोले कह रहे हैं जी इहदा नाम पता नहीं की है क्या नाम है नहीं जानदा कैसे हो हाथ तो मिला लो यार क्या बात हुआ बेटा क्या बात हुआ बाऊ कौन है बाऊ कौन है तुम्हारा बाऊ मारेगा बाऊ जी मारेंगे कौन है बाऊ जी राजू कौन है बाऊ जी तुम्हारा नाम क्या है बेटा नाम तो बता दे यार ए भाई नाम तो बता दे बापू मुख्तियार सिंह जी सत श्री अकाल बच्चिया ने सारा बुलायो दिल पीत सारे फोन किया नहीं ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ
बापू का घर लभ गया सीगा जी, बिंदर बापू के बेटे का ना नूह ना भी बापू की ना गल हुई थी, भैन ने साड़ी वीडियो देखी तो पछाण लिया, उन्होंने बापू जी ने साडे नाल संपर्क किया जी, क्योंकि 6-7 दिन गल हुई नू ते पर हजे तक वो कहते आवे लैन एक अद्धे दिन तक पर हजे तक वो आए नहीं लैन, तो बापू बहुत मिस करता रहा है ना, भी कहना मैं जाना घरे फोन पर गल कर कहते पर फोन पर गल कराने कहा कि बापू की गल कराई नहीं। बापू जी की बांह टुटी हुई है जी, ये मान लो एक साल तो उपर समा हो गया, बापू दसदे इदा ही बांह इतों टुट गई आ जगह तो बाहर निकलिया हुआ मोढ़ा तो आखो यदा हम डाक्टर असं दिखाया सीगा केंद्र भी इस उम्र के बच्चे इनू इतों जोड़िया नहीं गया, बाहर ही निकल गया एक साल हो गया इनू इदा, तो वाहेगुरू मेहर कर बापू का परिवार आ जिहड़ा बापू सवेरे आ रहा बिंदर और गल हुई है फोन ते पाल दी, सवेरे आऊगा मैं तेनू लेके जाना वा तू पिंड मेरे को रहना रह पा इत बापू उथे मझा चारनिया इस उम्र की करनिया मझा चार के इथे रह पा साडे को बापू सारा दिन भी मंजी डाई होंगी मझा खोल के बह जाता मझा चली जा बापू उ सारा दिन मझा चार रहा बापू का मुंडा बापू तेरा की काम करता है नौकरी भी करता कहते कोई घरे कर दादी काम से भी लगे हुआ कि चल कोई ना बापू ले जाना तेन कल ठीक है हाँ भी कि तू ठीक है तू और तेरी शुगर कि लगते तीन एक सवेरे बता दो तुरनी चीज़ लगता शुगर है बच्चे कई बार तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता हूँ भी हॉस्पिटल दाख रहा उदो पिछे जे भी 22-23 दिन ठीक है एक साडा रंजन बाबा क्या नाम है तेरा और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है डब्लू और तुम्हारी माताजी का नाम क्या है मम्मी हैं मम्मी मम्मी खुशबू और बहन खुशी और भाई नितिन और गांव गोना छपड़ा जे कहां पड़ता है गोना छपड़ा पंजाब से आगे और हरियाणा में पढ़ता है पंजाब में पढ़ता है यूपी में पढ़ता है उत्तर कहाँ पढ़ता है बिहार में पढ़ता है बिहार में पढ़ता है और कौन सा शहर है बिहार में वहाँ मेला देखने कहाँ जाते हो मेला देखने अच्छा ट्रेन पे जाते हो कौन सा मेला लगता है क्या चाय पैकिंग तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं क्या और मम्मी क्या काम करती है माँ क्या काम करती है मम्मा समझ नहीं आती जी असं कोशिश भी बहुत की है वीडियो भी शेयर की पेल है ना अभी इनफॉर्मेशन भी दिखती है पर सू बारे कुछ भी पता नहीं लग रहा प्लीज वीडियो जरूर शेयर कर दिया करो शायद थोड़ा शेयर करने ही बच्चे का घर लग जाए इधर साडा गोल्डन बाबा है गोल्डन कहते हो भाई ये गोल्डन आ ये आकाश आ एक इन्हों का ब्रदर आ गुलशन ये तीनों भरा साढ़े को इन्हों की मम्मी कुसम तो इन्हों की सिस्टर आ साक्षी ये पंजो मैंबर साढ़े को रेंगे ने गोल्डन पढ़ाई कि पढ़ता वजिए एक पढ़ता तू पढ़ा ना आकाश बहुत ही वधिया ब्रिलियंट स्टूडेंट आ पढ़ाई के भी साढ़े ना सेवा कराने के भी इदा ही अनमोल आ पिछे अनमोल तो कीमती है जी दोनों भरा ने इन्हों मम्मी डैडी भी साढ़े को रेंगे ने ते ए भी ते इदा ही आकाश के भी मम्मी डैडी मम्मी साढ़े को रेंदे ने ते ए भी चारों बच्चे भी साढ़े को रेंदे ने
लॉकडाउन के चलते हुण भी एक साल हो गया स्कूल बंद ने काफ़ी जाने कि इन्होंने चीज़ों का सामना करना पड़ा। दिलप्रीत आए जी रामगढ़ भुल्लर तो अपने डैडी के नाल ही डैडी भी इत्थे रहिंदे आ उहदा भी ट्रीटमेंट चलता वा यह भी बच्चा पढ़ता कि क्लास चल तू चौथी क्लास तू कि क्लास पुत एट दे विच तू बई फोर्थ चा सिक्स्थ दे विच पंकज तू कि क्लास चा वे कौन सी क्लास में पंकू ए पंकू भाई कौन सी क्लास में आओ हैं थ्री में अरे क्या बात दोनों कट्ठे फोर्थ च ने ये दोनों कट्ठे सिक्स दे विच ने ते दलप्रीत साडा एट दे विच आ साक्षी कीड़ी क्लास च अपनी फोर्थ दे विच आ ते साडा सेकंड दे विच आ इहदी इहदी घर दी क्लास कर रहे आ जे नहीं होऊगा तां इहदी भी एडमिशन असीं स्कूले गल कीती आ ते अज आधार कार्ड वालिआं ने भी उह मुंडे आए ने प्रिंट इहदे हत्थ दा लिया वा उहनां ने डिकलाइन कीता वा देखदे आ कल नूं शायद वाहिगुरू मेहर करे भी इस बच्चे दा भी घर ना पैजे। तो ये छोटा जहा बच्चा मासूम अपने माँ बाप तो बिछड़ गया पता नहीं किड़े हालातों के होने वह भी लभते फिरते होने बेचारे इदा पता नहीं किन्ने बच्चे ने जोड़े किसी वजह करके घरों बिछड़ जाते हैं फिर वो किसी इदा के घटिया लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं जोड़े उन्होंने सारी सारी जिंदगी कढ़ देंगे ने गुलामी। बापू गोपाल भी जो घरों गुमया आया बापू की उम्र कि 14-15 साल की सी सारी बड़ी छोटी जी उम्र के आया तो उस बंद के घर के बापू करीब 40 साल गुलाम रहा मतलब 55-60 साल की उम्र हो गई बापू की उत्थे बेचारे की बोहा चक इस करके असं कोशिश करते हैं जिते भी सानू कोई इदा का भी कोई लोड़वंद बच्चा मिलता तो अभी घर देखिए इधर साडा सुपन का होस्पिटल आ जी उधर तुम देखा सी कोशिश आ भी एक दिन ये साडा सुपना जरूर पूरा होगा इस होस्पिटल के भी साढ़े डॉक्टर आने जेडे आके साडे परिवार के मैंबर चेकअप करे। बापू भगत सिंह जी सत श्रीकाल हम प्रशादा छक के जी सारे सैर कर लगे हुए ने कोमल चल दे गेड़ा पुत चल हाँ जी पोस्टमैन साहब एकांता बाई है साडा पोस्टमैन साहब जिन्हों असी तुसी देखिया सी लैके आई गगड़े पिंड तो जलंध अपने मोगे जिले का पिंड है गगड़ा तो बाई 21-22 साल तो मैंटली अपसैट से ना नहाँ का ना धोन का पता सी बस ऐ सारा दिन तुरै फिर अजे बाई वधिया जीवन बतीत करता वा ठीक आ हुण इधर हुण सारे वाहिगुरू जी वाहिगुरू ठीक आ वाहिगुरू की हाल ने तेरा किहड़ा पिंड आ पिंड का ना की आ पता नहीं ये वाहेगुरू वीर का नाम आ जी साढ़े का इनू भी असं पिंडों घरों लैके आए थे बिना कपड़िया तो संगल ना बन्या हुआ सी पिछले 4-5 साल तो बहुत ही माड़ी हालत नंग इहदा वीर का पिंड हैगा जी नंगल अंबिया उत्थों लियाए सीगे जी। हाँ भी की हाल ने बाबे ठीक हो इनू बाई नूं असीं अहमदगढ़ मंडी तो लिया सुशील वर्मा साडा वर्मा साहब ते बलजिंदर किवें आ इधर हम प्रशादा छक के हटे ने भांडे सारे लगे हुए ने धोन तो इधर साढ़े वीर सारे सैर कर लगे हुए ने। हाँ जी सलीम साहब कर रहे हो सैर सत श्रीकाल बापू हाँ भाई शीश किवें घरे जाना लभ जाना तेरा घर कोई ना होना देखी चलनी तेरा घर लभ जाना छेत कोई साढ़िया बेबे होनी होना झूले दे उत्ते झूटे ले जांदियां प्रशादा छक के बेबे जगिंदर कौर साडी ते भोली भैन झूटे लै रही है। होर बेबे बेबे झूटे नहीं सैर कर लिया कर पतली हो जा थोड़ी जी झूटे भी लो जी लैने सौन दे महीने पींगा झूटदियां साडियां बेबे हैं
ਚੂੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਚੂੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੋਲੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਇੱਧਰ ਸੈਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕੁਸਮ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਕੁਸਮ ਭੈਣ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਵੀਰੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰੇ ਛਕ ਹਟੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਬੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਦਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ, ਕੁੱਬੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਆ, ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਮਾਤਾ ਠੀਕ ਹੋ? ਚੱਲ ਸਤਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਈ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੌਕ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੋ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਭੈਣ ਆ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਭੈਣ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੀਪ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਥਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਦੇ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਟ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਦੁਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵਿੱਕੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ ਰਚਨਾ भरा विक्की डैडी तरसेम लाल उन्होंने तो डैथ हो गई बहुत बीमार से दोनों भैन भरा घर के लीड़ा कपड़े भी कट के फिर इस बच्चे सब तो पहले साढ़े फीमेल मैंबर है भैन ये करके अगले लेडीज वास्ते अब बुलाया फिर हौली हौली अच्छे अलग तो घर भी बन गया माता का भैन का ये रचना भैन की विक्की वीर के करके माता जी ने गल करते थे देखो इन्हों महाराज ने इतने साढ़े ना लेन देन के कोई संबंध से फिर भी माता जी इतने को सारे ही सुनते किसी काउंसलिंग करते हैं किसी की गलबात समझाने की कोशिश करते हैं जिंदगी की होंगी है ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਪੂਰਾ ਬੋਲੇਗੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਬੇ ਐ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ बॉम्बे की करेंगी जाके बेबे अच्छा देखो इन्हों कि संबंध आस विच पता नहीं फिर ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਗਿਆ ਚਾਣੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੇ ठीक है मां कोई ना मां चलांगे इन्हां दी शिकायतां बॉम्बे छे चल बेबे का चली बॉम्बे हाँ माता सत श्रीकाल ठीक है शिमला बेबे हाँ वधिया हूँ साह तो चलो हट गया है ना अगे ना बहुत ठीक है
गुड्डी भैन है जी, तुसी बिंदर वीरे नूं देखिया मोतकी तो असी इन्हां दोनों भैन भरावां नूं लैके आए हां। ਇਹ ਭੈਣ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਭੈਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਮੱਧ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਪੂਰਾ, ਹੈਂ ਕੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਹਨਾ। तेरे भरा का की नाम आ बिंदर, तेरे डैडी का की नाम, पता नहीं डैडी का ना, मम्मी का, मां का भी नहीं पता। देखो पिछले किन्ने साल तो ये कूड़े के ढेर से सौंदे थी सड़क, ऐसा गंद के बच्चे पेंदे थी, दोनों भैन भरा मैंटली अपसैट से, पर वाहेगुरु की मेहर नाल सानू महाराज की सेवा बख्शी है। हां माता इन्हां दी मालिश नाल तंग ते बड़ा फर्क है, माता जी मालिश करते हैं, मालिश का इन्हों बहुत तजर्बा भी है, माता जी तुर नहीं सकते कि हमने डेढ़ दो गेड़े देंगे ने, यानी कि इन्हों को इदा के सेवादार जो वाहगुरु भेजता फर्क पाए। मेरी की लगती है तू दादी है तू मेरी, इतने सिर ते हाथ रख दिया कर, इन्हां मावां दे आशीर्वाद, इन्हां दे चेहरे ते हासा जिहड़ी है मुस्कुराहट आ साडी जिंदगी आ, बेबे काम बहुत करते, सारा दिन झाड़ू लाना, चादर बिस्तरे चकने, धोने कपड़े, हर चीज दे विच भैन सवेर तो शाम तक सेवा करती है। कि फिरोजपुर स्टेशन के उपर रही थी 15 साल तो झाड़ एक जंगल नुमा झाड़ी के बिच सौंदी थी मड़ के, उत्थे इस भैन के नाल जो दुराचार हुंदा सी आप बयान नहीं कर सकते, पर साडी छोटी भैन रूही एक चंगा जीवन बतीत करती है, साडे नाल सेवा दे विच अपना पूरा योगदान पाती है, किसी ने कुछ बोले तो बिना, किसी गुस्सा किए तो बिना, चुपचाप सब लगे इधर साडी रेखा। हुण सुनो की बोलेगी, तो मैं बोलो, मैं ठीक होना, बोलो होम्योपैथिक फर्क पे पढ़ी लिखी भैन बच्चे छोटे छोटे जो खुद मां बाप चले गए, भरा भी छड़ के चले गए, सलाम वालेकुम। ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਲੀ ਸਿਆਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਆ ਚੀਚਾ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚੀਚਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਅੱਛਾ ਚਮਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣ ਰਾਮਪੁਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੂ ਕੋਲ ਹਾਂ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਮਪੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਛੜਾਈਆ ਕਰਤਾ ਸੀ ਭੈਣ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਯਾਦਾਂ ਬਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜੂ ਰਾਜੂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਬੇਟੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਗੇਟ ਟੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5-10 ਸਿਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਲੈਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁਣ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਮਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 66 ਹੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਮਾੜੀ ਕਿੱਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਸੁਖੇ ਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੁਖੇ ਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰੰਦ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਮਿਲ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਗੇਟ ਟਿਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਰਿਹਾ ਲੈਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲੂੰਦਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ
चीज नहीं पैंती जो ये माँ की वीडियो देखते हो जो भी ये माँ कितनी बार असि वीडियो पा चुके इस माँ ने कितनी बार असी मेरा सारे बजुर्ग है जिहड़े ओह सैर करी जांदे आ ते नाल दी नाल भगत सिंह बापू भी खड़े ने गेट ते इहदे देखो एक अखां तो ब्लाइंड बंदे नूं ओह बंदा गेड़े कढ़ा रहा वा जिहड़ा खुद किसे टाइम ब्लाइंड सी 8-9 साल बापू गिंदर मोहन सिंह जी अखां तो ब्लाइंड रहे आ फरीदकोट दीआं सड़कां ते घूमदे रहे इन्नी माड़ी हालत च ते अज बापू काका कलवीर सिंह काका जिन्हां नूं असीं खन्ने तो लैके आए सीगे उन्हां नूं फड़ के हाथ देखो उन्हां दा गुट फड़ के उन्हां नूं गेड़े कढ़ा रहे ने उन्हां दी अखां बन रहे ने ये आ परमात्मा की कृपा ते सच्चे पातशाह मेहर करन जी धन्नवाद भी है जी जिहड़े भैण भरा जुड़े हुए ने साडे नाल करीब 100 दे आस पास 77-78 इन्ने एक मैंबर रह गए आ पता नहीं कई बार सोचीदा इदां भी संगत नूं इदां दीआं चीज़ां हुण पसंद ही नहीं हैगीआं है ना इदां दे ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਧਰੁਵ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਅੱਜ ਮੇਣਾ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੈ 2 ਗਲਾਸ ਵੀਰ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਜੁਖਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਜ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 2000 5000 10000 ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਿਨ ਬਨ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਵੈਰੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਵਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਬਸ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਡਿਤ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁੜ ਗਈ ਆ ਪਲਾਸਟਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਵਾ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਬਾਂਹ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੁੜ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋੜ ਲੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਂਹ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਂਹ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਚੱਕ ਬਾਂਹ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 500,000 ਬੰਦਾ, 2,000 ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 80-82 ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।